तो अस्सलाम वालेकुम, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कुल्लू उस्मान एपिसोड 169 ट्रेलर 2 के बारे में। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो ट्रेलर के अंदर मेन मेन सीन दिखाए गए हैं जो कि बताने वाले हैं वो बताऊंगा और बाकी फजूल की बातें डिस्कस नहीं करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की शुरुआत हमें दिखाया जाता है कि उस्मान बे और करादीन किला थमाते हैं करासी बे को और आपस में उस्मान बे और करासी बे इत्तेहाद कर लेते हैं यानी मुआहदा कर लेते हैं कुछ, और उस्मान बे और करासी बे आपस में हाथ मिलाते भी नज़र आते हैं। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि समंदर के किनारे एक बहरी जहाज़ बहुत बुरी तरह से तबाह होता हमें दिखाया जाता है और इस जहाज़ को तबाह किया होता है कमांडर लूकस ने और इस जहाज़ को तबाह करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और किनारे के दूसरी जगह से यानी समंदर के दूसरे किनारे से उस्मान बे को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा होता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। उस्मान बे ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं, उनके साथ करासी भी खड़े होते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाला खातून और उनकी बेगम खातून के दरमियान कुछ हमें जंग का मतलब बाला खातून ने बेगम खातून की गर्दन पर चाकू रखा होता है और कुछ उससे कह रही होती है यानी कि वो उससे कह रही होती हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोफिया अपने बाज़ेंटाइनी कमांडरों को और उनके सिपाहियों को जज्बा दे रही होती है काइयों से लड़ने का। फिर हमें एक बहुत मेन सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान बे हमें बुरसा के अंदर नज़र आते हैं भेस बदलकर। फिर ट्रेलर के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस्मान बे आर्कर दियोस पर बहुत जानलेवा हमला करते हैं, उसको वहीं पर मार देते हैं और वहीं पर ट्रेलर की एंडिंग हो जाती है और उस्मान बे बहुत गुस्से में कुछ अल्फाज कहते हैं कमांडर लूकस के बारे में और वहीं पर एक्ट के ट्रेलर एंड हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।